ठीक है ओके, तो ग्रुप में देख लेते ना मेरा बेटा, ठीक है। एंड सैटरडे को अपना रिवीजन क्लास होगी, मतलब रिवीजन क्लास बोले तो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। हाँ नैतिक बोलो, चलो ठीक है। तो सभी प्लीज रेडी रहना टेस्ट के साथ एंड टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ। संडे को तुम लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगा मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास, एंड रात को 11 बजे तक तुम वो टेस्ट दे सकते हो। एंड प्लीज चीटिंग मत करना, अपनी मेहनत से करना जितना आता हो तुम लोगों को। एंड इतना मुझे ट्रस्ट है, अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड किए हैं एंड क्वेश्चंस करे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेके नहीं देना पेपर, ठीक है। ओके ठीक है। और बेटा हाँ एक चीज और, आप सब लोगों के स्कूल में लैब वगैरह जाते हो आप लोग? यस मैम। जो दिल्ली और हिमाचल वाले हैं वो लैब में अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो करते होंगे ना। तो बेटा एक चीज मैं बता देती हूँ, आप लोगों का एक्सपेरिमेंट से भी जो आप प्रैक्टिकल बनाते हो, जिसको आप सोल्ट एनालिसिस वाले प्रैक्टिकल्स बोलते हो, जिसमें आपको सोल्ट दिया जाता है और उसमें आपको डिटेक्ट करना पड़ता है कैटायन और एनायन, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रैक्टिकल जो आपके हैं, हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो आप कि जो स्कूल में आप प्रैक्टिकल बनाते हो ना, उसको ऐसे नहीं अपने सीरियसली लेना उसको, क्योंकि उसमें से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे। इस बार पता है क्या हुआ, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो आप प्लीज वो सीरियसली लेना। अपने पास टाइम होगा तो डेफिनेटली वो करेंगे, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने एंड से कर लेनी है, समझ रहे हो। तो जो आप प्रैक्टिकल बनाओगे अपनी, उसको थोड़ा ढंग से बनाना कि जब तुम आगे उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो तो अच्छे से पढ़ पाओ। एंड ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट वाला काम है थोड़ा सा लैब में ढंग का कर लेना, ठीक है। चलो चलें फिर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बस एक यस सेकेंड मैम। रुक जाए, बस एक सेकेंड। बस एक मिनट। ओके तो जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो खो गए थे? चलो ओके। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, वो कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला अपना थोड़ा सा पोर्शन पड़ा था वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन जो है क्या करेंगे हम लोग, आगे कंडक्टेंस वाला पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे। अब कंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जितना मतलब हम पढ़ के आए, उससे थोड़ा सा अलग है। लेकिन यस थोड़ा बहुत पार्ट रहता है कैलोमल इलेक्ट्रोड का, वो हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। एंड देखो मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, जो ये बैच है ना, आपका बैच थोड़ा डिफरेंट है बाकी बैचेस से। आपके बैचेस में ज्यादातर आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो थ्योरी वाला कुछ पोर्शन जो है आपको थोड़ा सा घर से भी प्री रीड करके आना पड़ेगा, ठीक है। इसके इससे क्या होगा, टीचर के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है वो फिर टीचर स्किप कर सकता है, ये सोच के कि बच्चों को तो ये पता ही होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा इस बैच में, और ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये जो हम बैच में ऐड है वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होने वाली है, थोड़ी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होने वाली है और
हमें इसके लिए थोड़ा सा घर से पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है? चलो, ओके, सो करते हैं स्टार्ट फिर। ओके, ये क्वेश्चन आप करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक दिया था एंड ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसको जल्दी से मेरा बेटा सोल्व करके मुझे बताओ, आज से ये पता चलेगा कि आपने किया या नहीं किया। ठीक है जी, चलो हाँ जी, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने कल क्वेश्चन किए, नहीं किए तो चाटा मारो अपने मुंह पे अगर नहीं किए तो। चलो हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो एंड देखो कि क्या कह रहा है वो। एंड ये 2024 का क्वेश्चन है तुम्हारा, जेई का, बताओ भाई क्या कर सकते हो। सिल्की आ गई, ठीक है, ओके। कोई भी नहीं करके आया ये घर से? भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मैम सेकंड तुम है लोगों उसका, से मैम है वो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा बता दे, नहीं तो आज मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा डांट मारने वाली थी, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो हैं और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेई, मतलब लाइक सीरियसली आप लोग 10 क्वेश्चन टीचर दे रहा, वो लोग अब वो भी नहीं कर रहे, इतने सारे PYQs हैं 100-100 एक चैप्टर के, वो कैसे करोगे? मुझे मत बोलना फिर टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो। हाँ, ये कैसे किया, इसका सेकंड कैसे आया, हाँ बताओ मेरे को। मैम नर्स इक्वेशन लिखी पहले, मैम हाँ, पहले कैसे लिखी नॉन्स इक्वेशन बताओ। ई सेल। नहीं, एनोड पे क्या लिखा? अच्छा मैम, एनोड पे लिखा है टी टी आई, TL है वो, वैसे TL सॉरी है, नॉट TL, TI। हाँ TL, TL गिव्स TL प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर सी इसमें आएगा Cu 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, फिर हम बैलेंस कर देंगे इन दोनों को, ठीक है, टू ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरी गुड। और मैम, फिर नर्स इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नॉन्स इक्वेशन लिखी, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू, इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.83, ठीक है, और फिर मैम वो मोलार का कंसंट्रेशन लेंगे, तो हम इसमें कंसंट्रेशन दे नहीं रखी, लेकिन अगर हम Cu2+ के कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर जो ये वैल्यू होगी वो कम आएगी, वेरी गुड। तो अगर कम आएगी तो इसका मतलब अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये और छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो इसका मतलब फिर जो EMF है वो इंक्रीज होता जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया सबको क्या बोला है कनक? आपने ही बताया ना? हाँ, यस ये मैम, समझ में आया कनक ने क्या बोला है। फर्स्ट यू नीड टू राइट द नॉन्स इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, उसके बाद आपको देखना है अगर आप Cu2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये छोटा होता जाएगा, और अगर ये छोटा होगा तो नेगेटिव में वैल्यू छोटी आएगी, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि ई सेल क्या होगा फिर, ज्यादा होगा, यानी कि आप EMF जो 0.83 था उसको आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप कॉपर 2+ की क्या कर दोगे, कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे। समझ में आई ये वाली बात? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा पेपर में, बहुत आते हैं, ऐसे मैंने TPP में भी डाला था 1-2 क्वेश्चन, ठीक है? तो यस, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आप EMF ऑफ सेल क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये आया था 2020 शिफ्ट में आया था, ये किसी 4 में या 3 में होमवर्क में दिया था ना ये वाला क्वेश्चन भी मैंने। चलो करो, आयुष ने किया क्वेश्चन, मैम किया था ये, मैम अच्छा ठीक है, पहले वाला नहीं किया था, थोड़ी सी रह गई थी उसमें कमी ना। अच्छा ओके,
दिव्यांश, निहा, क्या नाम है, इशिता, सिल्की, मैम। तनिषा, किया था क्या क्वेश्चन तुमने? क्यों? नो मैम। दिव्यांश गलत बात है बेटा, तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ ये। मैम स्कूल का बहुत सारा काम है, सर ने ना पिछले काफी इयर्स के वो दे रखे हैं PYQs बोर्ड के लिए लिखने के लिए, वो सर ढूंढ मैम ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ रहे हैं। स्कूल मत जाओ, छोड़ दो। चलो ये क्वेश्चन करो, मतलब हद हो गई, अब तुम मेरे को ये एक्सक्यूज मत दो भाई। तुम लोगों ने सोचा है जेई में क्रैक करना है, अब टाइम निकालो। सर को कहो हमें पढ़ने दो जेई का, बोर्ड में हम कर देंगे। चलो ये वाला करो बेटा, इस मैंने यादा भी कहाँ दिए थे दीपान, 10 क्वेश्चन तो दिए थे ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के करना चाहिए था। चलो बताओ ये वाला, आप कर लो। चलो चलो बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? पहले आयुष मेमोरी बता बेटा। एक्टिविटी हाँ हाँ आयुष, हम पहले रिएक्शन लिखेंगे। हाँ ये रिएक्शन मैंने कल आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दू मैं, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, Cr2O7 2- डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 14 7H2O, 14H+ एंड 16, यही बनेगी। और ये इक्वेशन बेटा रट लो, मतलब जिसको समझ के नहीं आ रही है ना ये रट लो, वैसे तो समझना ही पड़ेगा, डिटॉक्स चैप्टर करना है तो ठीक है, तो इसको अच्छे से करना ठीक है। तो इसका ई सेल लिख लो, नॉन्स इक्वेशन लिख लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यही लिखा है तुमने भी, 0.059/6 लॉग क्रोमियम 3+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्राइक्रोमेट, यस यस और मैम। नो? देखो मैंने थोड़ा सा स्पेस कम है इस वजह से, यस मैम। ओके साथ में H+ भी तो आएगा, H+ की कंसंट्रेशन भी आएगी कि पावर 14। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो क्रोमियम+3 की कंसंट्रेशन, आपको पता है कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर में होती है, तो आपको यहाँ पे मिली मोल दिया हुआ है, देख रहे हो मिली मोल दिया हुआ है, कैन यू सी दैट, 100 मिली मोल ऑफ क्रोमियम+3 एंड 10 मिली मोल ऑफ डाइक्रोमेट ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 100 × 10^-3 और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, छोड़ो उसको गोली मारो, Cr2O7 2- देखो 10 मिलीमोल, 10 × 10^-3 ठीक है। तो अब ये वाली कंसंट्रेशन की वैल्यूज क्या करनी है तुम्हें, पुट करना है, पीएच तुम्हें दे रखा है, अब तुम या तो H+ की कंसंट्रेशन ये लिख लो सीधा 10^-3, और तुम क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। क्या आंसर आ रहा था इसका? मैम 917 यस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 917, ऑलरेडी तुम्हें × 10^-3 दिया हुआ है ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है जी, ओके क्लियर है, आगे चलूं? ओके यस मैम। इसके बाद बेटा मैं ये करवाती, कल मैंने ये जल्दी जल्दी करवा दिया था, हो सकता है कुछ बच्चों को पल्ले भी ना पढ़ाओ ठीक है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ और चीजें देखो मेरे को ऐड भी करनी है, देन हम कंडक्टर वाले टॉपिक पे, कंडक्टेंस वाले टॉपिक पे चलेंगे जो कि सबसे इजी टॉपिक है। चलो बेसिकली मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन में मैंने क्या कराया था, थोड़ा सा याद करो मेरा बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर मान लो ये तुम्हारी कोई मेटल है, लेट्स से वो सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, तो तुमने क्या किया है उसका ही इनसोल्युबल सोल्ट लिया, लेट्स से AgCl, और उसकी कोटिंग कर दी है ठीक है, और उसको कौन से वाले सॉल्यूशन में टिप कर दिया है, KCl में कर दो या HCl में कर दो, ध्यान रखना जो उसका अनायन है वो कॉमन होना चाहिए इनसोल्युबल सोल्ट में, जो अनायन, क्लियर है, यही था हमारे पास ठीक है। तो इस केस में हमारा जो कैथोड वाला पार्ट है वो क्या बनेगा, अगर मुझे मान लो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, देखो जो हमारी नॉर्मल सेल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, क्या थोड़ा सा याद हो, यहाँ पे हम आयंस लिखते थे मतलब इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, सोल्ट लिखते थे और इलेक्ट्रो ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था, सेम ऐसे ही करते थे ठीक यस है। अगर मैं इसकी बात करूं मेरा बेटा, तो कैथोड में मैं क्या लिखूंगी, कैथोड मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगी Cl- AgCl Ag, बोलो हाँ या ना,
और अगर मेरे को एनोड लिखना हुआ तो कैसे लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी एजी एजी सीएल सीएल नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। यस मैम। बेटा हो सकता है बेटा अगर हो सकता है कि आप अभी धीरे धीरे लिख पा रहे हो, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे मत सोचना कि मैम आप तो जल्दी जल्दी लिख रहे हो, ठीक है आप भी कर लोगे, ठीक है। तो मैंने याद करो एनोड पे करके दिखाई थी आपको, अगर मान लो मुझे एनोड पे लिखना हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मान लेते हैं क्या होगा फिर इसमें बताओ, एजी कन्वर्ट होगा एजी प्लस में। यस मैम। साथ ही साथ अब आप किसमें डिप कर रहे हो, एक ऐसे सोल्यूशन में डिप कर रहे हो जिसका क्या बोलते हैं अनायन जो होगा कॉमन होगा इनसोल्युबल सॉल्ट के, यानी कि जो एजी प्लस है वो सीएल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एजीसीएल बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो एक बार, यहाँ पे एजी से एजी कैंसिल हो जाएगा तो एजी प्लस सीएल नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा एजी, अच्छा एजी प्लस तो कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ पे, तो एजी प्लस सीएल नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा एजी प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी वाली पे आ गई, एनोड वाली पे आ गई, क्लियर है। यस मैम। ठीक है एजी सीएल, ठीक है ये आपका एनोड पे आ गया। अगर आपको कैथोड लिखना है तो कैथोड पे क्या होगा, देखो मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको इरेज करके, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे इसका रिवर्स कर दो, कैथोड पे हो जाएगा अपना AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। देखो एक आपको याद रखनी है, दूसरी तो अपने आप बना लोगे, ठीक है। तो ये किसके लिए होगी, सिल्वर वाले के लिए। ऐसी हमने एक कौन सा देखा था, मरकरी वाला भी देखा था, हो जाएगा ये। यस मैम। चलो यस मैम। ओके एंड इसके लिए अगर बेटा आपको वो लिखना हो एनोड सेल लिखना हो, लास्ट इक्वेशन लिखनी हो तो लिख सकते हो। अगर मैं मान लो किसी एक के लिख के दिखाऊं, मान लो कैथोड वाले के लिख के दिखाऊं, तो ई सेल इज इक्वल टू एनोड सेल माइनस 0.0591 बाय 1 इलेक्ट्रॉन लोग सीएल नेगेटिव, क्योंकि ये तो सॉलिड सॉलिड में है तो इनका तो 1 लेके चलोगे कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, वो हमें सॉल्व करना है, तभी हम ये थोड़ा सा इसको टाइम देके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी थी हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इस पे पहला पहला क्वेश्चन दिया था। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही होती है, लेकिन इसका एनोड सेल जीरो नहीं होता, जो हम जनरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है उसमें हम जीरो एज्यूम करके चलते हैं, बट इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है आपका Hg होता है लिक्विड फॉर्म में, Hg2Cl2 का सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, नीचे से हम पोरस प्लग डाल देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे ना गिरे सॉल्यूशन, और उसको किसमें डिप कर देते हैं सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन में, मतलब KCl सॉल्यूशन में उसको क्या कर देते हैं डिप कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है फिर, होता क्या है इसमें भी वही होगा, कैथोड और एनोड बनेंगी। कैथोड पे अगर मान लो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी हुई मेरे को तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, बोलो यस मैम। और अगर मुझे मान लो एनोड पे लिखनी हुई सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, और प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिखूंगी अब जल्दी से बताओ, कुछ नहीं करना, जो एनोड वाली थी अपन ने पीछे लिखी थी बस इसको कॉपी कर लो, देखना एक बार एनोड वाली क्या लिखी थी मैंने, एजी प्लस सीएल नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा एचजी प्लस सीएल नेगेटिव, और देखो एजीसीएल यानी कि Hg2Cl2 और इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हाफ, बाय हाफ क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कैथोड पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बताओ कुछ मुश्किल है तो इसमें, ठीक है डन। आई होप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या समझ में आ रहा है। हाँ देखने में बड़ा ही अजीब अटपटा सा क्वेश्चन है, बट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है याद रखना, एक इलेक्ट्रोड होगी अगर एजी की है तो एजी की इलेक्ट्रोड पे उस पे उसकी इनसोल्युबल सॉल्ट की कोटिंग होगी, और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया गया होगा जिसका अनायन कॉमन होगा इनसोल्युबल सॉल्ट में जो अनायन है, ठीक
ठीक है। अब आपको कुछ ये ऐसा ही नहीं दिख रहा, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट वाला नहीं दिख रहा इसमें, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख दो, प्लेटिनम सोलिड H2HCl, ऐसे लिख दो इसको, आपके लिए और आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। बताओ, यही तो बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ, सेल पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ है, HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है, मोलल दिया हुआ है, मोलल, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl, AgCl नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। तो क्या करें अब बताओ, सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम अपना क्या है मेरा बेटा, रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन लिखने। कीप गिविंग मी थम्स अप और अपना पेन उठा के चलो, अगर पेन ही नहीं उठाओगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊंगी ओरली अपने दिमाग में सॉल्व करूंगी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, अपने को पेन चलाना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, स्पेशली जो आपके फिजिकल के चैप्टर है उसमें तो पेन निकालना ही निकालना है, बेशक इनऑर्गेनिक में मत निकालना, तो मतलब वैसे निकालना तो उसमें भी है, लेकिन इसमें तो बेटा नीड है अपने, इसके बिना आंसर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है नोट पे, तो मैं नोट वाली रिएक्शन लिख लू, आपको घबराना नहीं है, जो दे रखा है जो समझ में आ रहा है वही लिखू पहले। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी आप सबको पता, अब तो लिखने भी आ गया तुम लोगों को, ठीक है। अब ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे लिखूंगी, समझ रहे हो, ठीक है। बोलो कैथोड पे कैसे लिखूंगी, अब इधर देखो ये कैथोड पे है, ये कैथोड पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन थी याद करो, याद करो क्या रिएक्शन थी, देखो मेरे को तो याद भी है, तुम्हें क्या याद है क्या, यही रिएक्शन थी, तो मैं पीछे लेके जाऊं, ये देखो वो देखो ऊपर ऊपर AgCl प्लस इलेक्ट्रोड Ag प्लस Cl नेगेटिव। अब तुम्हें क्या मिलेगी यहाँ से, फाइनल इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी देख लो, हाफ ऑफ H2 प्लस AgCl H प्लस प्लस Cl नेगेटिव Ag। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी है, लगाओ सारे बच्चे, सॉल्व करो इसको, मुझे इसका आंसर चाहिए। करो मेरा बेटा, हाँ क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, आई होप ऑल यू आर डूइंग। हाँ दिव्यांश तुम्हारा कितना आ रहा है, मैन 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। आयुष एक बार दोबारा चेक करो और बाकी देखो कितना आ रहा है आंसर, क्योंकि मेरे पास भी इसका आंसर 0.20 ही है।
क्या लिखोगे नंस इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 सॉरी 6 ही दिया हुआ इसने 0.06 बाय 1 लोग एच प्लस सी एल नेगेटिव डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ एच टू, तो प्रेशर एच टू का दिया ही हुआ है 1, उसको तो छोड़ दो, एच सी एल की कितनी दी हुई है कंसेंट्रेशन 10^-6, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। किसी और का आया है क्या या सिर्फ दो ही बच्चों ने क्लास में किया है? ऐसे मत करो प्लीज, हम 0.56 आ रहा है। एक बार फिर सॉल्व करते हैं, ई सेल कितना दिया हुआ है आयुष 0.92 ना, यस मैम, निकालना क्या है ई नोट सेल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.06 माइनस 6 को आगे लेके आओ, ये लोग 10 1 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.92 ई नोट सेल प्लस 0.06 इनटू 6 यानी कि 0.36, तो 0.2 माइनस 0.36 मैम 0.2 आ रहा है, मैम 0.2 ही आ रहा है। ओके देखो कुछ मैंने तो गड़बड़ नहीं की ना मैम, एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे ना लॉग में, हाँ तो मैंने किसकी ली, मैंने सिर्फ HCl की ली है क्या, HCl की आपको दे रखी है ना 10^-6, तो तुम लोगों ने क्या लिया 10^-6 का स्क्वायर लिया है क्या? यस मैम, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक बात है भाई, यहाँ पे क्या है H प्लस और Cl नेगेटिव है ना, तो 10^-6 और 10^-6 लेनी पड़ेगी। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10^-12 आ जाएगा, 12 को आगे ले आओ, अब चेक करो कितना आ रहा है, अब चेक करो जल्दी से कितना आ रहा है, मैं भी सॉल्व करती हूँ। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी तो आ ही जाएगा 0.92, यस समझ गए आयुष, यहाँ पे बेटा एच प्लस और सी एल नेगेटिव है ना, एक बार बताओ जब तुम एच सी एल कहाँ लिखू, इधर देखो नीचे एच सी एल को जब तुम डिसोसिएट करोगे तो एच प्लस सी एल नेगेटिव में जाएगा, तो अगर मैं बोलू एच सी एल का तुम्हें 10^-6 दिया हुआ है तो ये कितना बनेगा, ये भी 10^-6 बनेगा, ये भी 10^-6 बनेगा, तो एच प्लस की क्या होगी 10^-6, सी एल नेगेटिव की क्या होगी 10^-6, तब जब तुम सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.20, क्लियर है? ठीक है तो थोड़ा सा यस कैलकुलेशन में फंस सकते हो बट यस ध्यान रखो, चलो ओके अब हम बात करते हैं, आप नोट लगा के लिखेंगे जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जो मेटल इनसोल्युबल सोल्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड कैन बी ट्रीटेड एज मेटल मेटल आयन डिपेंडिंग अपॉन द डाटा गिवन इन क्वेश्चन, तो ये मैंने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे एक नोट लगा के लिखो कि अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आता है मेटल इनसोल्युबल सोल्ट से, तो कई बार उसको मेटल मेटल आयन की तरह भी ट्रीट करेगा वो, कई बार मेटल इनसोल्युबल सोल्ट की तरह भी ट्रीट करेगा। मैम आप क्या कहना चाह रहे हो, केस वन क्या है, केस वन ये है कि अगर उसको मेटल मेटल आयन की तरह ट्रीट करता है, तो अगर मैं मान लो एनोड पे रिएक्शन लिखूंगी तो ये लिखा होगा Ag, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, या ऐसे तुम्हें एग्जामिनर लिख के देगा, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हें वो मेंशन करके देगा Ksp, Ksp, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब Ksp क्या होता है याद है तुम लोग पढ़ के आए हो वहां पे क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला अपना टॉपिक होता था, थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ, जनरल एग्जाम्पल, इसको आप कैसे लिखते थे XaY प्लस YbX नेगेटिव, तो जब आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते थे तो कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, yes, ma'am. जैसे अगर मान लो मुझे AgCl का लिखना हुआ, बिकॉज AgCl इज अ स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट, डिसॉल्व नहीं होता वो पानी में पूरी तरह से, तो उसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, तो उसका Ksp क्या हो जाता है Ag प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, तो ये वही Ksp की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा केस टू तुम्हें क्या दिया होगा, या तो तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको ये गिवन हो,
ऐसा कुछ करके गिवन हो सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम्हें जो है इक्वेशन लिखनी आती है, सिखा रखा है मैंने एनोड और कैथोड पे। तो इस तरह अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या वो इस ये लेके पूछ रहा है, क्या वो ये लेके पूछ रहा है। तो ये सब हमें क्या करना है, देखना है। जैसे कि मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। मान लो अगर वो केस वन लेके पूछ रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन होगा, मैं ऑक्सीडेशन वाला केस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर मुझे इसका ई सेल लिखना हो तो क्या लिखूंगी, ई सेल इज इक्वल टू एनोड सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी, बिकॉज ये तो सॉलिड है, इसका मैं यूनिटी लेके चलूंगी, हाँ या ना। अब क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से Cl नेगेटिव को ऐड कर रही हूँ और Cl नेगेटिव को डिवाइड कर रही हूँ। ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। क्यों किया मैम, क्योंकि अब मैं क्या बनाना चाहती हूँ, इधर देखो ई सेल क्या हो जाएगा मेरे पास, ई नोट ऑफ Ag गिव्स Ag+ माइनस 0.0591 लोग, और ये AgCl क्या बन जाएगा, Ksp बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। समझ गए, ये कब है, मैं फिर बोल रही हूँ मेटल इनसोल्युबल सोल्ट में, या तो मेटल मेटल आयन करके एक केस पूछ सकता है लाइक दिस, ऐसा कुछ उसने दिया होगा, तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है जहां पे Ksp दे रखा हो और आपका एनोड वाला पार्ट दे रखा हो Ag वाला, ये वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस मैं बताती हूँ। दूसरा केस ये बनता है कि तुम्हें क्या दिया हो, ये दिया हो, तो इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, रिएक्शन तो बना ही सकते हो। बताओ बना सकते हो कि नहीं बना सकते, क्या बनेगी इसमें, ये वाली रिएक्शन बन जाएगी इसमें, देखो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। यस मैम, यस मैम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीडेशन में होता क्या है, Ag gives Ag+ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहने का मतलब है, तुम्हें दो केस अभी मैं एग्जांपल कराती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या तो वो ये केस लिख के देगा तुम्हें, ठीक है, या फिर वो नीचे वाला केस लिख के देगा, केस टू, जिसमें तुम्हें AgCl नेगेटिव या कैथोड पे लिख के दे देगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, फिर इक्वेशन बनाना है, ठीक है जी। तो ऐसा करके वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा उसने, ठीक है। यानी कि तुम्हें इस वाले केस में ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट याद होनी है, क्योंकि वहां पे निकालने नहीं बैठोगे कि Ag+ इलेक्ट्रॉन, फिर Ag+Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होके AgCl बन रहा है, फिर फाइनल मैम ये इक्वेशन आएगी, डायरेक्ट याद रखो भाई, डायरेक्ट याद, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान से पढ़ना कि दिया क्या होगा, पढ़ो एक बार, मतलब मुझे पढ़ के मत बताना, तुम पढ़ो एक बार, देखो क्या दिया होगा। सिल्वर वायर है, उसको डिप किया गया है 0.1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में विद AgCl, AgCl भी है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है उसका, ठीक है, क्लियर है। एंड तुम्हें ये दिया हुआ, अब ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मेरे बच्चों। निहारिका, दीक्षांत, इशिता, कनक, क्रिश, ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और क्या पूछ रहा है वो, Ksp पूछ रहा है। तो यानी कि अगर उसने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बोल दिया, Ksp वाला पार्ट बोल दिया, यानी कि वो कौन से केस की बात कर रहा है, केस फर्स्ट की बात कर रहा है। तो क्या करोगे, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो हो सकता है ना पेपर में फॉर्मूला तो याद आए ना, तो एक बार लिख लो फटाफट। तो Ag क्या करेगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन, इसका कितना दिया हुआ है, -0.799, क्लियर है सभी को, ठीक है। मैम थोड़ा सा वो बड़ा होने वाला है कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है बस। तो ई सेल क्या हो जाएगा, एनोड सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग
केस पी बाय सी एल नेगेटिव था क्या? यस मैम। ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास ई सेल है क्या? ई सेल यस मैम दिया हुआ है। ई सेल कौन से वाला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ये हमने जो पूरी इक्वेशन लिखी थी ये उसके केस में तो लिखी थी, एनोड वाले के केस में, ठीक है। तो ई सेल कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 0.25। और एनोड सेल कितना दिया हुआ है? -0.799, ठीक है, -0.0591 लॉग केएसपी, लॉग केएसपी। ये कितना दिया हुआ है? सीएल नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1 दी हुई है। यस मैम। तो 0.1 बोले तो 10^-1, तो मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये 10 बन जाएगा, तो यानी कि log 10 ksp मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। अब बात आती है इसको सोल्व करने की। सोल्व कैसे करोगे? -2.25 तुम करो अपनी नोटबुक में, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी साइड से आंसर चाहिए, ठीक है। इसको आप नीचे ले आओ और बाहर माइनस का साइन लगा दो, ये मेरे पास बन जाएगा log 10 ksp। ये सॉल्व करके बताना मेरे को एग्जैक्ट कितना आ रहा है। इसको आप 0.8 लेके सॉल्व कर लो, अगर आंसर जल्दी आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इसको सॉल्व करना ही तुम्हें सिखाना है, क्योंकि ये काफी अलग है क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व करो, -9.3 आ रहा होगा। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया फिर भी इतना ही आ रहा है। आ रहा है मैम? 0.92 प्रेजेंट होगा तब जाके अच्छा प्लांट होगा। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बेटा गुनगुन छोड़ -9.3 आ रहा होगा, चेक कीजिए। आ रहा है क्या किसी का? यस मैम, वो आगे कॉर्ड मतलब मैम थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब देखो करोगे, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सोच कोई मुझे बताएगा हाउ टू सॉल्व दिस? बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते ही ना चुप ना हो जाया करो, एक तो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। कैलकुलेशन पेपर में मैं थोड़ी ना करने आऊंगी, मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे को तो पेपर नहीं देना। तो तुम लोग थोड़ा एक्टिव रहो ना कि क्या निकल के आ रहा है। -9.3 इसको मैं क्या करूं बेटा? देखो इसको अब सोल्व करना है, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? केएसपी की वैल्यू चाहिए, है ना। अब कैसे करो इसको? कुछ आसान तरीका अगर इसका मिल जाए तो मुझे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, -9.3 को -9 -0.3 लिख दूं? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और सिंपलीफाई करते हैं, -9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? लॉग 10 की पावर -9 लिख दूं? यस मैम। और इसको 0.3 लॉग 2 की वैल्यू होती है। अब सॉल्व हो सकता है थोड़ा सा? लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? इसको मैं कैसे लिखूं? देखना एक बार, log 10^-9 by 2 लिख दूं, और ये क्या बन जाएगा? log 10 ksp बन जाएगा। log से log कैंसिल, क्या आ जाएगा? आ जाएगा आंसर 10^-9 डिवाइडेड बाय 2×10। तो ये कितना आ रहा है? सॉल्व करके बता दो प्लीज, ये आ रहा होगा। तो ये तुम्हें क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन अपने नोट्स में ही लिख लेना है, ठीक है जी? यस मैम। चल आगे चलूं। अच्छा अब आता है हमारे पास हेडिंग दारू, रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसोल्युबल सोल्ट अनायन। इसको सभी बच्चे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक, लिखिए इसको। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ये एनोड वाली साइड होगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा, और कैथोड वाली साइड क्या होगा ये मैंने आपको बता ही रखा है।
ठीक है चलो लिखो एट एनोड, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करोगे अच्छा लगेगा ये चैप्टर, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है। कैथोड पे क्या होगा याद रखो, बताया था जो मैंने, देखो मेरे को तो याद है इसलिए मैं लिख रही हूँ। पता है मैं कैसे लिखती हूँ ये इक्वेशन, इधर आओ, मुझे पता है कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मुझे ये भी पता है जब मुझे इक्वेशन लिखनी होती है तो मुझे चार्ज जो है सेम रखना होता है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तुमने अगर नोटिस किया हो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिखती हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर देती हूँ चीजों को। तो इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, माइनस वन का चार्ज है रिएक्टेंट की साइड तो प्रोडक्ट पे भी माइनस वन का होगा, और वो कौन देगा मुझे, सीएल माइनस देगा। अब सीएल माइनस के साथ उसका भाई एजी होगा, और यहाँ पे क्या होगा एजीसीएल होगा, वो मुझे कैसे पता चला यहाँ से, आई समझ में। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा एजी से एजी कैंसिल हो जाएगा, तो एजी ये क्या बन जाएगा एजीसीएल, एजी प्लस और सीएल नेगेटिव। तो एक बार बताओ मुझे इसका क्या लिखोगे नर्स इक्वेशन, ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 लॉग एजी प्लस की कंसंट्रेशन इनटू सीएल नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और ये मेरे पास क्या है मेरा बेटा, बोलो बोलो बोलो, केएसपी है कि नहीं है? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो इक्विलिब्रियम पे जो आपका के इक्विलिब्रियम होता है वही तो है ये केएसपी, बट हम के इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करके केएसपी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल क्या होता है, जीरो हो जाता है। yes, तो यानी कि ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वही आ गया, याद करो जो मैं तुम्हें वो सिखा रही थी, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी, कुछ नहीं हुआ उसकी जगह, देखो क्या आ गया केएसपी, बस सिंपल। तो यानी कि जो वैसे सवाल कर रहे थे तुम, अगर मान लो तुम्हें केएसपी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर से इसको रिलेट कर दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीजें मेरे बेटा आज मैंने लिखवाए हैं, थोड़े से लेवल ज्यादा था इन क्वेश्चन का, तो आप एक बार घर पे अपने हाथ से खुद लिख लिख के देखेंगे इक्वेशन, तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या किया था। हो सकता है अभी आपको 60% या 70% समझ में आया हो, जब आप घर पे खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो वो 70 विल कन्वर्ट इनटू 100, बट अगर नहीं लिखेंगे तो वो 70 से कम होके जीरो पे भी जा सकता है, ये मेक श्योर करना है तुम सबको, क्लियर है? हां जी, जल्दी से गिव मी थम्स अप। कृष, लावण्या, कृष्णा, कनक, आर्यन, सुजल, वेरी गुड, नीरज तो अभी आया है, कार्तिक, सिल्की, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा उम्दा। नाउ द बेस्ट पार्ट, नाउ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कमिंग, सो यस, स्टार्ट करते हैं। देखो अब जो मैं कराने वाली हूँ ना, जो बच्चा अगर अभी भी ज्वाइन किया है ना, टेंशन मत लेना बेटा, अब वो खत्म हो चुका है सारा पार्ट जिसमें हम ईसेल 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 निकाल रहे थे। तो अभी तक जितना मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया, मतलब आधे से ज्यादा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लिया है, बिकॉज टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर। तो अभी तक जो मैंने आपको कराया, आपको पता है वहां से क्या बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो सोल्ड ब्रिज से बन सकता है, क्लियर है? और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना तो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बन सकता है, और अगर आपका न्यूमेरिकल बना तो कहां से बनेगा तुम्हारा, या तो नॉन इक्वेशन से बनेगा, या फिर तुम्हारा बनेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले फॉर्मूले से, या तुम्हारा बन सकता है तुमसे ये पूछ सकता है कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर है। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा करनी है, मतलब इन एक एक टॉपिक पे तुम्हें कम से कम ट्राई करो 30-30, 40-40 सवाल तो लगा ही लो। नॉन इक्वेशन पे तो शायद तुमने बहुत ज्यादा लगा भी लिए होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आज हम करने वाले हैं, आज और जो नेक्स्ट वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे। उससे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज कंडक्टर से। कोई मुझे बताएगा कंडक्टर क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज कंडक्टर? फिजिक्स में तुम पढ़ते हो, देखो मैम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है,
यस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है. इंसुलेटर क्या होगा जो नहीं करेगा, नहीं करेगा. अच्छा अब आपको क्या करना है, ये दो टाइप के कंडक्टर है. हालांकि ये क्वेश्चन देखो नीट सॉरी जेई में तो नहीं आएगा, नीट जेई में नहीं आता है, बट यस तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डिफरेंस दो नंबर. ठीक है, मेटलिक कंडक्टर आप ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हो, मतलब पढ़ोगे या पढ़ चुके हो फिजिक्स में. जो हम केमिस्ट्री में डील करने वाले हैं वो हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से. ठीक है, कंडक्टर भी नहीं बोलूंगी मैं, कंडक्टर बोलूंगी, ये सब हम डील करने वाले हैं. तो एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं, हो सकता है कि आपको पता भी हो. तो मेटलिक कंडक्टर के केस में बेटा जो चार्ज कैरियर है, मतलब जिसकी वजह से आपकी करंट फ्लो होता है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या होता है, करंट फ्लो होता है. जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, आपके आयंस की फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है. ठीक है, अगर आयंस मूव करेंगे तो आपका करंट क्या होगा, फ्लो करेगा. ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है, मेटलिक कंडक्टर में किसी भी तरीके के केमिकल चेंजेस नहीं होते. केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है, एक बार बताओ, अगर तुम्हारे घर में वायर है, अगर तुम उसको 5 साल बाद देखोगे, क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी. ऑब्वियसली बात है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे. बट इलेक्ट्रोलिटिक के केस में क्या है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, अभी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो मैं बताऊंगी, कौन सा नहीं लेना है. तो वो क्या होगा, जैसे आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा. अगर मान लो लेट से आप NaCl ले रहे हो, तो NaCl क्या हो जाएगा, Na plus Cl नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तभी तो आयंस होंगे वहां पे, और आयंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा. जबकि इसमें एज सच कुछ केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ मास. ठीक है, क्या आप अगर घर में जो ये वायर्स हैं जो फिटिंग हो रखी होती है अपने बॉल्स में, तो वहां पे क्या होता है, कोई मास का ट्रांसफर होता है क्या, बताओ मुझे, होता है क्या मास का लॉस गेन होता है क्या, कुछ बोलो यस और नो. मतलब सोच रहे हो, होता है मैम, होता है क्या, पता होता हो, अरे नहीं होता बाबा. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक के केस में क्या है, मास का ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब आयंस मूव करेंगे ना तो क्या होगा, पर्टिकुलर कैथोड और एनोड पे जाएंगे. ठीक है, तो यस मास का ट्रांसफर होगा. उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रुकावट, रुकावट. और बेटा मेटलिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फिक्स्ड मेटल एटम्स. जैसे देखो ये मेटल एटम्स है बीच बीच में, ठीक है, ये आपके एटम्स है, और ये भैया जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आंखें तो होती नहीं, उसको दिखता नहीं है, तो वो मूव कर रहा है, मस्त मूव कर रहा है. अब ऐसा तो नहीं है वो देखेगा यहाँ खाली जगह, मैं यहाँ चला जाऊंगा, है ना. जैसे ही वो घूमेगा तो ऑब्वियस ही बात है टकराएगा. टकराने से क्या होगा बताओ मुझे, टकराने से क्या होगा, हिंड्रेंस आएगी, और हिंड्रेंस से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मेटल तो करंट फ्लो करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. हाँ या ना, अगर तुमने सुना उसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो अगर मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तुमने सुना होगा मेटल में क्या होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, जिसको आप कर्नल्स बोलते हो फिजिक्स में, ठीक है, वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसको हिंड्रेंस फील होती है, उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसको खींच रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसको खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में दिक्कत होगी. यस और नो, हाँ या ना. तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इस केस में आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर. दिस इज समथिंग जो आप अपना फिजिक्स में पढ़ते हो या पढ़ चुके हो या पढ़ोगे. लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है बेटा, इस पे. इसमें क्या होता है मेरा बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से तो आयंस के पास जो आयंस है उनको तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी. हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, लेट से तुमने NaCl लिया है ना, अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये ज्यादा स्पीड से भागेंगे Na और Cl, मतलब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा. अगर कम होगा तो मजे से घूमेंगे, और जितने मजे से घूमेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा. लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की,
तो यस, अगर मान लो जो तुमने सॉल्वेंट लिया है मेरा बेटा, सॉल्वेंट ले, लेट से तुमने NaCl को डाला है किसी सॉल्वेंट में, अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो होने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो किस वजह से आती है, कोलिजन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मेरा बेटा, उतना ही क्या होगा, वो घूम नहीं पाएंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, करंट इजिली फ्लो नहीं होगा। इसको मैं अभी डिटेल में आपको लिखवा भी दूंगी। क्लियर है इतना वाला पार्ट? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और आपका करंट जो है सही से फ्लो करेगा। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर है बेटा, यहाँ से 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब मैम कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस क्या होता है रुकावट, और कंडक्टेंस क्या होता है ईज, कितना इजिली जो है करंट फ्लो कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा यस, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो या आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होते हैं ये, हाँ या ना? जैसे NaCl ले लो, yes, ma'am. Na plus Cl negative. अगर मैं बोलूं तुमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो 99.99 इतना ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो गए। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएट ओनली अप टू सम एक्सटेंट, यस और नो? जैसे कि एग्जाम्पल बताओ कोई मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, प्लीज टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो भाई, हाँ CH3COH। ठीक है, आपको पता है अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो ये लगा लो 10 मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, बाकी 90 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएंगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। ऐसी NH4OH ऐसी इसके भी क्या है, मुझे आयंस कम मिलेंगे सॉल्यूशन में। जबकि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो तो जब आप सॉल्यूशन में डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिकॉज यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना करंट के लिए, यही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो हो अच्छा खासा, कंडक्टेंस सॉल्यूशन की ज्यादा हो, तो आपको क्या यूज करना है, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। क्लियर है? यस मैम। चलो, यस मैम। उसके बाद आता है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन क्या मैम, आयन के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या कंडक्टेंस क्या होगी। यस, एक बार बताओ, एक तो छोटा बंदा है, छोटू सा बिल्कुल, और एक मोटू सा, किसको चलने में आसानी होगी, छोटू को या मोटू को? छोटू को। ठीक है, तो छोटू को, छोटू की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और अगर मोबिलिटी उसकी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है छोटे वाले आयंस के केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अगर मैं तुमसे इनका ऑर्डर ऑफ साइज पूछूं तो क्या बोलोगे, किसका साइज सबसे ज्यादा है? हलीना ने की रब से फरियाद वाला ही बताओ, किसका साइज सबसे ज्यादा है? सीजियम। पक्का ना? एक बोलता है, एक इंसान बोलता है क्लास में तो तुम बाकी सबको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सीजियम। अरे हाँ भाई, सीजियम का ही होगा, घबराना काहे को। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा,
कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी फिर? लिथियम की। बाकी बच्चे भी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ, ऐसे मत बिहेव करो जैसे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा के जाती तुम लोगों को, है ना? प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस, ठीक है? ठीक है सिल्की, लवण्या, अक्षिता, देखो घर से पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और क्लास में भी नहीं सुनोगे, तुम्हारा ध्यान अगर कहीं और होगा, लाइक कुछ और तुम यूज कर रहे हो साथ साथ या कुछ और वीडियोस देख रहे हो साथ साथ, तो भी समझ में नहीं आने का, ठीक है? तो इसलिए प्लीज फोकस यहाँ पे रखो, ठीक है? क्लासेस तुम लोगों के लिए लगाई जा रही है, टीचर के लिए नहीं लगाई जा रही है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं एक्वस सॉल्यूशन की, बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आते हैं जेई में, ये याद रखना। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, यानी कि बेटा अब मैं बात कर रही हूँ ये पानी में, लेट से कि आपका सॉल्वेंट पानी, अब क्या होगा? एक बात बताओ, तुमने ये सुना है साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई, क्या ये कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा बताओ। जब मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करती हूँ, मतलब अब बात कर रही हूँ जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो सॉल्वेंट में लिया है, तो एक बात बताओ जिसका साइज छोटा होगा उसको वॉटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, और जिनका साइज बड़ा होगा उसको वॉटर के मॉलिक्यूल्स कम घेरेंगे। और आपको पता है जब वॉटर के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या है चार्ज स्पीसीज है ना, ऑक्सीजन पे भी क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इंटरेक्शन होगी। जब वॉटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि बेटा जब आप एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें हमारे पास एक नया टर्म यूज होता है, हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियाई। अब जो छोटू होगा पानी में जाने के बाद वो मोटू हो जाएगा, बिकॉज उसको ज्यादा वॉटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे, यस और नो? ज्यादा मोटू हो जाएगा, और जो मोटू वाला था उसको कम वॉटर मॉलिक्यूल घेरेंगे। तो एक बात बताओ, जो छोटू है पानी में जाके वो मोटू हो गया, यानी कि उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में, यस और नो? ये सारी बातें मुझे सोच के yes, बताओ ma'am. क्या? Yes, ma'am. Give me thumbs up, अगर ये क्लियर हो गया, यानी कि बात सिंपल सी है, पानी में जाके जो छोटू है वो मोटू हो जाएगा और मोटू को चलने में दिक्कत होगी और उसकी कंडक्टेंस कम, बात सीधी सी बस इतनी। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस लिखूं, मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस लिखूं, तो कंडक्टेंस मेरी अब किसकी ज्यादा हो जाएगी, सीजियम की, yes, फिर रोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, और फिर लिथियम की। बात ठीक है क्या ये सबको? क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, कंसिडर किया है हाइड्रेटेड रेडियाई कंसिडर किया है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ, गिव मी थम्स अप। चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन आता है नीट और जेई में, तुम लोग तो जेई के हो, एक क्वेश्चन आया था जेई में ही आया था, तुम्हें ये दिया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, ये था। और पूछा था एक्वस सॉल्यूशन में इसका ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता दो, तो हो सकता है तुम इसका कंडक्टेंस ये बता के आओ एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया ही यही है इन एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन दिस इज रॉन्ग। होता क्या है मेरा बेटा, अब हो सकता है तुम क्या सोचो, मैम H प्लस तो सबसे छोटा है ना, H प्लस तो सबसे छोटा है, तो वो तो पानी में जाके बड़ा ही ज्यादा मोटू हो जाएगा, तो उसमें तो उस केस में तो आयंस मतलब H प्लस इजिली फ्लो मतलब मूव ही नहीं कर पाएगा, मतलब आयनिक मोबिलिटी कम है, तो उसकी कंडक्टेंस तो कम होनी चाहिए। बट मैं कह रही हूँ बेटा, जो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस होगी ना, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस होगी इन एक्वस सॉल्यूशन, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा ये। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बेटा ध्यान रखना, जो H प्लस है और जो OH नेगेटिव है, इनमें हम हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर कंसिडर ज्यादा नहीं करते, इसमें हम साइज वाला फैक्टर कंसिडर करते हैं, इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है और वो फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो साइज इसका बहुत छोटा होने की वजह से इसकी कंडक्टेंस जो है बाकी सबसे ज्यादा होती है, फिर वो चाहे H प्लस हो या OH नेगेटिव। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसका एक एक्सपेरिमेंट है, ग्रोथस एक्सपेरिमेंट,
एक इसके करके आप ग्रोथस मैकेनिज्म आप पढ़ते हो जिसके अंदर प्रोटोन जंप एक्सपेरिमेंट, यस उसको बोलते हो, ठीक है। उसमें पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि H+ का साइज बहुत छोटा होने की वजह से उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस बाकी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें तो तुमने हाइड्रेटेड रेडियाई कंसिडर की मेरा बेटा, और इसमें क्या किया, ओनली साइज कंसिडर किया। ऐसे ही अगर मैं OH नेगेटिव ले लूं तो यस OH नेगेटिव भी बहुत छोटा है, तो इन्हीं दोनों के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, प्रूफ हो चुका है कि H+ और OH नेगेटिव के केस में हम साइज ही कंसिडर करते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई कंसिडर नहीं करते। जेई का क्वेश्चन बना दिया है और ये आया हुआ है, क्लियर है। तो यानी कि जब जब बात आएगी H+ और OH नेगेटिव की तब तब उसमें आप सिर्फ साइज कंसिडर करोगे, अदरवाइज हाइड्रेटेड रेडियाई, अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है क्या मैम, यस बिल्कुल करता है। एक बात बताओ, अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो गया तो कंडक्टेंस तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं वॉटर की बात करूं, वॉटर इज पोलर, अगर तुमने सुना हो वॉटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80 होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि उस सॉल्वेंट में कितनी ताकत है कि आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो वीक कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम NaCl को पानी में डाल रहे हो, आपको पता है Na plus Cl negative में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही आयनिक बॉन्ड, लेकिन जब आप उसको पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा, पानी अपनी पूरी ताकत लगाएगा इन आयंस की में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के। तो जितना जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है आयंस को दूर करने में। तो ऑब्वियस ही बात है जो सॉल्वेंट बढ़िया होगा पोलर होगा उस केस में फिर आयंस दूर दूर होंगे, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, बोलो ठीक है क्या। ठीक है, यस घर से इसको जरूर पढ़ना बेटा, क्योंकि जो मैं टॉपिक करा रही हूँ यहाँ से थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी बनता है, और इवन मैं बोलूंगी 2 साल से थ्योरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं इससे, तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करोगे, प्लीज थ्योरी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। टेम्परेचर की क्या बात है बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, जो आपके आयंस है काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी समझते हो ना, मोबिलिटी बोले तो स्पीड, बट केमिस्ट्री में हम उसको मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगा ना, यस मैम, यस मैम, बिकॉज फ्लो ऑफ आयंस उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। जल्दी से ये लिख लो, मैं पानी पी लेती हूँ फिर। चले आगे, ओके। सबसे पहले बात आती है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, ये सबको पता है, रुकावट है ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट, ठीक है। अच्छा, एक तो तुम वो वाला पढ़ते हो फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, वो केमिस्ट्री में तुम्हारे काम का है नहीं, V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट बाय रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले तो अपने माइंड में ये बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, कंडक्टर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कंडक्टर वंडक्टर की बात नहीं कर रहे, अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाई हुई है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया हुआ है वायर से और उसके अंदर सॉल्यूशन आपने डाला हुआ है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो अगर देखो मान लो ये आपकी 2 इलेक्ट्रोड है, देखो मैं पूरा सेटअप नहीं बनाऊंगी इस वाले टॉपिक में, बस थोड़ा सा आपको समझा दूंगी। इसमें जो है आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रोड है,
तो लेट अस कंसीडर जो ये एल डिस्टेंस है वो किसके बीच में है, टू इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है, और ये क्या है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, मीटर में लेना है जो उसने बोल रखा होगा एग्जामिनर उसके हिसाब से हम यूनिट ले लें, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरा बेटा आर क्या होगा रेजिस्टेंस, एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्टली मैम, डायरेक्टली। अगर मैं कोई डेली लाइफ को एग्जाम्पल लेके बताऊं, एक बार बताओ ये तुम्हारा है कोई रास्ता है लंबा, इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब आपका होगा क्या इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। एक बार बताओ जितने ही जितना ज्यादा लेंथ होगा उसमें उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को उतना ही हिंड्रेंस फील होने वाला है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया का क्या कहना है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एरिया के, बोलो हाँ या ना। अगर एक तो एक तो रोड है बिल्कुल खुली, वहां पे तुम मस्त से व्हीकल चला रहे हो, एक है बिल्कुल तुम्हारी पतली गली, किसमें रेजिस्टेंस, किसमें रुकावट जो है, किसमें तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पतली वाली गली में। तो अगर एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ भी अगर ज्यादा होगी तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बेचारे इलेक्ट्रॉन तो अंधे है ना, टकराते रहेंगे रेजिस्टेंस फील करेंगे। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो L क्या है मेरा बेटा, L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ये क्या है क्रॉस एरिया, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको आप किसमें ले रहे हो मेरा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yeah, तो आप ये इतना क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या ये है क्या रेजिस्टिविटी, इसको भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, अभी डिटेल में मतलब इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। तो अभी क्या बताया मैंने, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस की यूनिट किसमें होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो जल्दी से ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लिख लिया। चलो उसके बाद आता है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है रुकावट, कंडक्टेंस क्या होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करो या मेटलिक की बात कर रहे हो, जो कि क्या करता है विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अपनी लैंग्वेज में बोलो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आपसे कोई डेफिनेशन तो पूछने नहीं वाला है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल जी से, कैपिटल जी से, हो सकता है किसी बुक में सी से कराओ, आप तो जी से करेंगे। तो ये होता क्या है, जी इज इक्वल टू वन बाय आर, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना, जी इज इक्वल टू वन बाय आर, क्लियर है क्या? Yes. अच्छा अब तुम्हारी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ आर ओम में होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, जिसको आप साइमन भी बोल सकते हो, बोलो हो जाएगा। एक फॉर्मूला और बता दिया मैंने, फॉर्मूला लिखते रहो, फॉर्मूला लिस्टिंग करते जाओ, फिर क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम रो से डिनोट करते हैं,
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं मेरा बेटा रो से। होता क्या है ये, होता क्या है मेरा बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल है। एक बार बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए बताया ना, देखना एक बार, ठीक है। yes. अगर तुम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स कर दो कि भैया डिस्टेंस जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है, एरिया भैया तुम इलेक्ट्रोड का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो, तो रो आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, जब तुम्हारा लेंथ तुम 1 सेंटीमीटर लिख रहे हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दो, डेफिनेशन इसका कैसे लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करो, उसमें देख रहे हो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उस इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ प्लेस किया गया है, प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है ना, having 1 centimeter length and having a cross sectional area of 1 centimeter square, यही तो है ना, दो इलेक्ट्रोड तुमने लिए हुई है एक बीकर में, उसके अंदर तुमने इलेक्ट्रोलाइट लाया हुआ है, उसी का ही तो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, उसी का ही तो रेजिस्टेंस देख रहे हो, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, when you fix the length between two electrode is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। एक बार बताओ, जब आप इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 by rho is equal to 1 by r into l by a लिख सकती हूँ, इसको मैंने उल्टा कर दिया, देखो r को मैं नीचे ले आई, rho को मैं वहां ले गई, लिख सकती हूँ। अब जो l by a है मेरा बेटा वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर सेल कॉन्स्टेंट, This is your cell constant, और इसको हम G star से भी denote करते हैं। मैम ये cell constant क्या होता है? देखो, मान लो आयुष और गुनगुन है। आयुष जो है lab में जाता है experiment करने, ठीक है, conductance का experiment करने जाता है। तो जो उसका setup है, उसमें दो electrode है, dip हुई हुई है, electrolyte ले रहा है वो कोई, ठीक है, और उसने पूरा setup कर दिया, connect वनेक्ट कर दिया। तो एक बार बताओ, जो वो electrode dip है, उनका area तो fix रहेगा ना, और length भी fix रहेगा, yes or no? बोलो। Yes, ma'am. मान लो ऐसा कोई apparatus है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पूरा सेटअप कर दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनका जो डिस्टेंस है और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का वो फिक्स रहेगा। अब मान लो गुनगुन जा रही है सेम एक्सपेरिमेंट करने, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ अलग ले ले, लेकिन जो उसका लेंथ है इलेक्ट्रोड का वो तो सेम ही रहेगा ना, अगर वो सेम apparatus पे काम कर रही है तो, और एरिया भी सेम रहेगा, yes or no? तो यानी कि जो L by A है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन सेल, क्या मैं बोल सकती हूँ, फॉर अ गिवन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, न्यूमेरिकल में काम आएगी, फॉर अ गिवन सेल, अगर कोई एक बंदा, दो बंदे सेम उस पे काम कर रहे हैं, दो क्या, कितने भी बंदे अगर सेम अपरेटस पे काम कर रहे हैं, तो उनका L by A क्या होगा मेरा बेटा, कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर है ये बात? तो किसी भी सेल के लिए L by A की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, बेशक वो इलेक्ट्रोलाइट मान लो आयुष ने NaCl लिया हो, है ना, उसने AgNO3 लिया हो, कुछ भी लिया हो, बट L by A की वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 by rho, ये कंडक्टेंस, 1 by r क्या होगा, कंडक्टेंस, और L by A क्या होगा, सेल कॉन्स्टेंट। तो एक तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया, 1 by rho इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बोलो हाँ या ना, yes, ma'am. ये स्कूल में हो गया ना आप सबके चैप्टर? yes, ma'am. yes, ma'am. तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जा रहा है आपका मेरे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आती है, हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ ली, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब आते हैं हम बात स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एक ही बात है, इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, के लिख के उसका बीच, उसका क्या कर दो, कर्व बना दो, दिस इज कापा, कप्पा।
अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, याद करो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है, ठीक है, या बोलो रेजिस्टेंस 1/g होता है, वैसे रेजिस्टिविटी क्या होगा, 1/kappa होगा, या तुम बोल दो kappa इज इक्वल टू 1/resistivity, ठीक है, हाँ या ना। और ये 1/rho था, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, 1/r इंटू एल बाय ए, इसको क्या लिख सकते हो, जी इंटू जी स्टार। 1/rho को क्या लिखोगे, kappa इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ये तुम्हारा राम बाण वाला फॉर्मूला आ गया, जो इतनी बार यूज होगा ना, इतनी बार यूज होगा कि तुम्हें रट्टी जाएगा, कोई सपने में पूछेगा ना तो तुम बोलोगे कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्या बोलोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी इज कंडक्टेंस, जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट, जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट। अच्छा एक बार यूनिट की भी बात कर लेते हैं, यूनिट तो रह गया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, ठीक है, रेजिस्टिविटी की कोई मुझे यूनिट बताएगा क्या, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ मेरे को कोई, आर ए बाय एल होगा ना, तो ये ओम होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, ये सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है मेरा बेटा। एल बाय ए की क्या यूनिट होगी, एक बार आया था जेई में क्वेश्चन, एल किस में लोगे, सेंटीमीटर, वो अलग बात है उसने मीटर में दे रखा हो, तो एरिया आप लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की यूनिट बताओ मुझे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी बच्चे, यस मैम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, यस मैम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स अगर उसने मीटर में बोला हुआ है। क्लियर है क्या, यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो यूनिट मैंने ऑलरेडी बता दी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा एक ही बात है। अगर बेटा अगर मैं इधर देखो, कापा क्या था मेरे पास, जी इंटू एल बाय ए था। एक बात बताओ, अगर मुझे कापा को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगी, मान लो तुम्हारे पास ये सोल्यूशन है, इसमें तो तुमने इलेक्ट्रोड डिप की हुई है, इसका जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मैंने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, यानी कि क्या हो गया ये। एक बात देखो, ये देखना एक बार थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं, ये क्यूब नहीं बन गया, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हैं, क्यूब नहीं बन गया, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, बोलो हाँ ना। यानी कि अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो यानी कि मेरा वॉल्यूम बन रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml। तो बेटा इस 1 ml वॉल्यूम में जो भी आयंस हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी, उसी को ही मैं कंडक्टिविटी बोलूंगी। कापा को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, कंडक्टेंस हो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। फील आई तुम्हें कापा की, कापा क्या है, कापा है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ही हम मतलब कापा क्या बोल रहे हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, कनेक्टिविटी बोल दो, तो कापा कुछ नहीं कंडक्टेंस ही है, लेकिन कब, 1 ml सॉल्यूशन में, अगर तुम्हारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 1 ml है, उस सॉल्यूशन में 1 ml के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या होगी मेरा बेटा, कापा हो, यानी कि तुमने वॉल्यूम कितना रख फिक्स कर दिया उसका 1 ml, तो कापा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात, यस मैम, जल्दी से कंफर्म कीजिए, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो कि मैम हो जाएगा। जल्दी से, सिर्फ 10 बच्चों से होगा, 13, ओके, मैक्सिमम बच्चों से हो जाएगा।
एक क्वेश्चन करें, तुम पढ़ोगे ये क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन में पूछ दे क्या रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहा है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखना, दिव्यांश बता बेटा क्या क्या गिवन है मेरे को। मैम इसमें कप्पा की वैल्यू दे रखी है, हाँ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो रेजिस्टेंस से हमारे को कंडक्टेंस मिल जाएगी, तो कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू जी स्टार वाला से करेंगे तो वो सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमें। वेरी गुड, आपको निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, आपको कप्पा की वैल्यू दी हुई है। अगर नहीं समझ में आता मैम ये कंडक्टिविटी क्या है तो यूनिट पे जाओ, यूनिट किसकी है, ये कप्पा की यूनिट है, तो आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। मैंने कहा था एक फॉर्मूला ध्यान रखना, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, तो कप्पा इज इक्वल टू, अब कंडक्टेंस तो नहीं दी हुई, रेजिस्टेंस दी हुई है तो 1/r, और ये जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू आर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट को साथ लेके चलना वरना बुरी तरह फंसोगे इस चैप्टर में, पहले बता रही हूं मैं। और ये कितना हो जाएगा, 1500 ओम, ठीक है। तो साइनमेंट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, तो ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो सेल कांस्टेंट है वो किस में आ जाएगा मेरा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। हो जाएगा क्या ये? यस मैम, ठीक है, चलो आंसर तुम इसका निकाल लेना, ठीक है। अब बात आती है मोलर कंडक्टिविटी, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ, 1219 बेटा। पहले तो ये लिख लो, फिर मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से फॉर्मूला बन के आएगा। ये क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 mole ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन VML ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में बहुत ही गंदी डेफिनेशन दी हुई है, वो तुम अपने स्कूल के एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, बट तुम्हें जेई में कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, जेई में तुमसे एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा। तो अगर तुम 1 mole इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो किसी भी VML सॉल्यूशन में, मुझे नहीं पता उसका कितना बोलो मैं, लेट्स से वो VML सॉल्यूशन है, अगर तुम 1 mole इलेक्ट्रोलाइट ले लेते तो ऑब्वियस सी बात है आयंस तो प्रोड्यूस होंगे, तो उन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कहलाएगी तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, हाँ या ना, क्लियर होगी डेफिनेशन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन, इससे इजी डेफिनेशन नहीं बन सकती है, एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब अतरंगी सी डेफिनेशन दी हुई है, वो भी समझ में आती है तुम लोगों को पढ़ोगे तो, व्हेन प्रेजेंट इन VML ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको प्रूफ कर, बेटा इसको मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे दिखाते हैं लैम्डा एम से, ठीक है। तो एक बार बताओ इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंडक्टिविटी की बात हो रही है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 cm³ सॉल्यूशन इनटू पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, सोच के बताना। अगर 1 ml सॉल्यूशन की मैं कंडक्टिविटी ले लूं और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, यही तो है कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन VML सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और कंडक्टिविटी क्या था, कप्पा था, और वी क्या है, वॉल्यूम है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपको एंड में तो बेटा डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद करना है, वो मैं करा दूंगी, डोंट वरी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने की बात करूं मैं, 1 mole की बात कर रही हूं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं,
कापा बाय सी, क्योंकि हम मोलारिटी की बात कर रहे हो तो कापा बाय एम लिख दू? यस मैम। सारे सोच के बताओ मुझे। यस मैम। वेरी गुड। थोड़ा आगे चलती हूँ। मैंने क्या बोला, मोलर कनेक्टिविटी क्या है? कापा बाय मोलारिटी। अब हमें पता है मोलारिटी किसमें होती है, मोल पर लीटर में। कापा किसमें होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। और बेटा जो मोलर कनेक्टिविटी की यूनिट आती है वो आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मैम मोलारिटी तो लीटर में, अब क्या करें, मोलारिटी तो पर लीटर में, यानी कि वी हैव टू चेंज लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? अगर बेटा कापा की यूनिट साइमन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो, कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये मोल पर लीटर, और आपको पता है 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर, यानी कि 10^3 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इन 2000। अब जो तुम एनसीईआरटी में रटते हो उसमें फॉर्मूला ये लिखा होता है, अगर किसी ने कभी नोटिस किया है, तो कप्पा इन 2000 बाय मोलारिटी होता है। वो 1000 कहां से आया, वो 1000 कहां से आया, जब तुमने मोलारिटी को मोल पर लीटर से चेंज किया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो वो मल्टीप्लाई करके लिखता है। समझ में आई ये वाली बात? सोच लो, सोच लो, सोचो, जल्दी से सोचो बेटा, घर से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास, अभी तो तुम्हारा टेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आज आज आप ये करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 दिन अपने सॉल्यूशन चैप्टर को दो, ठीक है? अब समझ में आया तुम्हारी बुक्स में 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, बोलो। Yes, ma'am. क्योंकि आपका जो यूनिट होता है बेटा मोलर कनेक्टिविटी, वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बट मोलारिटी हम पढ़ते हैं मोल पर लीटर में, तो आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। नाउ जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो किसमें आएगी, अब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? लेकिन बेटा अगर मान लो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगी तो क्या होगा, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा उसमें 1000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिकॉज 1 लीटर होता है 10^-3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे तुम पुट करोगे 10^-3 मीटर क्यूब का इनवर्स, तो वो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इफ यूर मोलर कंडक्टिविटी इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये किताबों में नहीं होती है बट क्वेश्चन में आती है। अगर बच्चे ने ये रट्टा मार रखा है वो कभी यूनिट पे ध्यान देगा ही नहीं कि साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है। ये बातें क्लियर हो रही है? अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मैलिटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा बाय नॉर्मैलिटी, कापा बाय नॉर्मैलिटी, बिकॉज नॉर्मैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। नॉर्मैलिटी किसमें होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में होता है, ये होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर मैं ये किसमें होगा फिर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में, तो इसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी करना पड़ेगा। और अगर साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में होता है तो क्या करूंगी, बोलो, नीचे मल्टीप्लाई करूंगी। और नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में क्या होता है रिलेशन, कोई मुझे बताएगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। हां जी बोलो भाई जस्मीन। yes, कार्तिक ओन समीक्षा, बेटा पेस तो यही रहेगा क्लास का, क्योंकि अदरवाइज फिर सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। आर्यन कृष कृष्णा, और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा,
मान लो AlCl3 है तो आपको बस चेक कर लेना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज कर दो। जैसे इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है तो n फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मान लो तुम ले रहे हो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसको डिसोसिएट कैसे करोगे, कितना है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, 6, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से n फैक्टर निकाल सकते, क्योंकि सोल्ट ही दिया जाएगा है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा तो उसमें क्या करोगे आप, टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाले वो क्वेश्चन है, घर से कर लेना, ठीक है। और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बिकॉज मेरी अभी 10 मिनट के अंदर क्लास है, नहीं तो मैं इसको करा देती, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास तो अपनी रिवीजन क्लास होगी, तो जब अपन मिलेंगे मंडे को, एक बार ये सारे फॉर्मूले रिवाइज अप कर लेंगे और फिर क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए, यू कैन ट्राई, बट यस मंडे को हम जो है कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको जो आज की क्लास में याद रखने हैं, पहला 1/ρ 1/r (L/A), ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला 1/ρ g (g)* ऐसे लिख सकती हूँ। थर्ड फॉर्मूला kappa (g)g*। फोर्थ फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी kappa×1000/molarity इफ मोलर कंडक्टिविटी इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और फिफ्थ मोलर कंडक्टिविटी kappa×1000/normality, ये आपको याद रखते हैं। और एक नॉर्मैलिटी molarity into n factor, ये आपको याद होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे एंड क्या कहते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। यस मैम। ओके, तो अब क्या होगा, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, उसमें वो हमारी क्या होगी, रिवीजन क्लास होगी। पढ़ के आना सॉल्यूशन चैप्टर, मैं बता दे रही हूँ। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो एंड कल क्या आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे का जब भी तुम टेस्ट होगे उससे पहले सॉल्यूशन की जितनी प्रैक्टिस करनी है कर डालो, ठीक है जी।